टेक टू पुष्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल जितने भी न्यू यूट्यूबर या न्यू क्रिएटर है उनको सबसे ज़्यादा एक ही टेंशन रहती है कि उनके व्यूज और सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे। चैनल तो क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद एक दो वीडियो अपलोड करते हैं, उस पर व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, तो फिर उनको हर तरह से टेंशन होने लगती है कि मेरे व्यूज क्यों नहीं बढ़ रहे या फिर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे। और ये सब सोचते सोचते बहुत सारे वीडियोज भी देखते हैं, इसके बाद क्या होता है वो पेड तरीका भी अपनाते हैं। पेड तरीका बहुत से ऐसे आपको वीडियोज यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो पैसे लेकर व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, तो वो भी तरीका कुछ लोग फॉलो करते हैं, वो उससे भी कुछ खास फायदा नहीं होता है। तो आज के वीडियो में ऐसा आपको एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिससे आपके व्यूज भी बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट को नहीं यूज करना है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी मिल जाते हैं कि अपनी वीडियो के लिंक थर्ड पार्टी वेबसाइट पे अपलोड करो जाके, वहां से फिर व्यूज मिल जाएंगे या फिर वहां पे 10-20 रुपए लगाकर वहां से सब्सक्राइब। ऐसा कुछ भी मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, एकदम जेन्युइन तरीका आपको बताऊंगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि ये वाला जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ये वाला अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे तो आपके व्यूज और सब्सक्राइबर दोनों बढ़ेंगे। आगे की वीडियो में आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि मेरे कुछ ऐसे वीडियोज हैं जिन पे जो तरीका मैंने फॉलो किया है उस पे सब्सक्राइबर और व्यूज दोनों काफी अच्छे आए हुए हैं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, पूरा वीडियो देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैं आपको तरीका बताता हूं, बट उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दो। तो बात करते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका जिससे आपके 100% जेन्युइन सब्सक्राइबर और व्यूज दोनों बढ़ने वाले। ये तरीका है शॉर्ट्स अपलोड करने का। जी हां, सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड करने का एक ऐसा अच्छा तरीका है जिससे आप लोग अपने व्यूज और सब्सक्राइबर दोनों ही बढ़ा सकते हो। अभी मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, आप लोग खुद कहोगे हां सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ेंगे। देखो क्या होता है कि बहुत से जो न्यू यूट्यूबर होते हैं सबको क्या होता है कि पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। इस चक्कर में क्या होता है, लॉन्ग वीडियोज अपलोड करते हैं बट उस पर व्यूज इतनी जल्दी नहीं आते हैं। पहला क्या तरीका होता है कि कंटेंट अच्छा नहीं होता, या फिर नए नए जो यूट्यूबर होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स रहती हैं कि वीडियो अच्छा नहीं बन पाता, एडिटिंग अच्छी नहीं होती, वॉइस अच्छी नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो इस वजह से लॉन्ग वीडियो पर उनकी ऑडियंस नहीं आ पाती है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि लॉन्ग वीडियो पे काम करने से बेटर है ना आप लोग शॉर्ट वीडियो पे काम करो। शॉर्ट वीडियो बनाओ, उसमें क्या होता है आपका टाइम भी कम लगेगा, एडिटिंग भी उतनी नहीं करनी पड़ेगी। बस हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना कि कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। बस एक मिनट की शॉर्ट वीडियो जो आप अगर अपलोड करोगे, और दिन में 2 से 3 वीडियो अगर आप लोग अपलोड कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके सब्सक्राइबर और व्यूज दोनों ही इनसे बढ़ेंगे। और जब सब्सक्राइबर और व्यूज आपके बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि शॉर्ट से भी वॉच टाइम काफ़ी अच्छा बढ़ता है और चैनल मोनेटाइज भी हो जाते हैं। और दोस्तों मैं इसमें कोई मिलियंस में व्यूज या सब्सक्राइबर बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा यूट्यूब पे एक्सपीरियंस है, भले ही मेरे व्यूज और सब्सक्राइबर उतने ज़्यादा नहीं है, बट 3 साल में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इससे मिल गया है क्या तरीका अपनाना चाहिए। क्योंकि मैंने भी जो नया नया यूट्यूबर जो भी नया नया यूट्यूबर बनता है वो बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, सब लोग वीडियो बनाते हैं इस तरह से, एक वीडियो अपलोड करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, ऐसे बढ़ जाएंगे। तो इन सब चक्करों में कम पड़ के इन सब चीज़ों पे काम करो, शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करो। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसे शॉर्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा जिनसे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, व्यूज भी बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम भी बढ़ रहा है। ये सबसे अच्छा तरीका है इधर उधर की फालतू वेबसाइट पर ना जाकर, क्योंकि इससे क्या होता है आपके चैनल पर ऑडियंस भी आएगी, और जब ऑडियंस आपके पास आ जाएगी तो फिर आप जब लॉन्ग वीडियो अपलोड करोगे तो लॉन्ग वीडियो पर भी आपके व्यूज आएंगे, प्लस जब शॉर्ट वीडियो आप लोग अपलोड करोगे 1 मिनट का, उससे क्या होता है आपकी बोलने का जो तरीका है वो भी आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे, तरीका चेंज हो जाएगा, एडिटिंग सीख जाओगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपने बहुत से तरीके फॉलो किए होंगे, बहुत से वीडियो देखे होंगे, बट मैं ये वाला जो तरीका बता रहा हूँ एक बार इस तरीके को जरूर फॉलो करके देख लेना, आपके सब्सक्राइबर और व्यूज दोनों ही बढ़ेंगे। और इसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि शॉर्ट्स वगैरह कैसे अपलोड करते हैं, कुछ इस तरह से आपको अच्छी वीडियो मिल जाए, तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, बट आप लोग कमेंट करके बता दो अगर आपको वैसी कोई वीडियो चाहिए कि शॉर्ट अपलोड करने का सही तरीका क्या है, तो वैसे भी वीडियो मैं आपको अब बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि मैं क्यों बोला था कि शॉर्ट्स बनाने पे आपके व्यूज और सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कल 2 वीडियो अपलोड किए थे, एक शॉर्ट किया था, शॉर्ट पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2000 व्यूज ऑलरेडी आ चुका है, और एक लॉन्ग वीडियो किया था उस पर 39 ही व्यूज है। तो इसलिए बोल रहा था कि शॉर्ट वीडियो अपलोड करो, आपके सब्सक्राइबर और व्यूज दोनों बढ़ेंगे। अब आपको मैं और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, कंटेंट पर जाते हैं सबसे पहले, इसके बाद अपने शॉर्ट्स पर जाते हैं जो मैंने अपलोड किए थे। बहुत सारे शॉर्ट हैं, जैसे कल वाले पे 2000 व्यूज आए। अब ये वाला शॉर्ट्स आप लोग देखो, 14 सितंबर को मैंने अपलोड किया था, इस पर कितने व्यूज आ रखे हैं 8700। इसके बाद इस पर सब्सक्राइबर कितने बढ़े हैं मेरे 13, और इसमें वॉच टाइम भी अगर आपको मैं दिखा दूं तो वॉच टाइम भी इससे आपका काफ़ी बड़ा है। वॉच टाइम आप लोग देख सकते हो 70 घंटे का इससे मुझे वॉच टाइम भी मिला है। तो आप लोग देखिए कि शॉर्ट्स वीडियो पे कितने ज़्यादा व्यूज आते हैं, इससे सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, इंगेजमेंट भी आपका काफ़ी अच्छा बढ़ता है। अब इसके बाद और भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ।
अगर नेक्स्ट शॉर्ट की बात करें तो इसमें आप लोग देख सकते हो, इसको मैंने 18 जुलाई को अपलोड किया था। इसके अगर व्यूज़ की बात करें तो इसमें 15,000 व्यूज मिल चुके हैं। सब्सक्राइबर की बात करें तो 51 सब्सक्राइबर मुझे इसमें मिल चुके हैं और इसमें $0.11 की अर्निंग भी हो चुकी है। अगर इसके वॉच टाइम पर अगर बात करें तो वॉच टाइम भी आप लोग देख सकते हो, 153 घंटे का इसमें वॉच टाइम भी मिला है, काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट भी मिला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो अपलोड करो, लॉन्ग वीडियो के चक्कर में कम पड़ो, लॉन्ग भी करो बट शॉर्ट करो, उसमें आपके सब्सक्राइबर और व्यूज़ दोनों बढ़ते हैं। एक और आपको मैं एग्जांपल अभी दिखाता हूँ, एक ही वाला आप लोग शॉर्ट देखो, इससे 16 जुलाई को मैंने अपलोड किया था। इसके अगर व्यूज़ की बात करें 21,478 इस पर व्यूज़ आ चुके हैं और इसके अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो इस पर मुझे 31 सब्सक्राइबर भी मिले हैं। अब वॉच टाइम की अगर बात करें तो इसमें वॉच टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखिए 167 आवर्स का वॉच टाइम भी मिला है। तो यही कुछ ऐसे एग्जांपल हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि शॉर्ट वीडियो आप लोग अपलोड करो, शॉर्ट वीडियो से आपके सब्सक्राइबर प्लस व्यूज़ दोनों ही बढ़ेंगे और ये गारंटेड 100% जेन्युइन तरीका है, आप लोग इसको फॉलो करके देख लो। एक और शॉर्ट है जो मैंने 4 सितंबर को अपलोड किया था, इसके भी व्यूज आप लोग देख सकते हो, 8,700 व्यूज हैं, इस पर भी 13 सब्सक्राइबर मिले। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियो अपलोड करो, इस पर सब्सक्राइबर और व्यूज आपको दोनों मिलेंगे लॉन्ग वीडियो को कंपेयर में, और जब एक बार ऑडियंस आ जाएगी तो लॉन्ग वीडियो पर भी आपके काफ़ी अच्छे व्यूज और सब्सक्राइबर आ जाएंगे। आइए दोस्तों, जो तरीका मैंने आपको बताया ये आपके समझ में आ गया होगा, एक बार इस तरीके को फॉलो करके जरूर देख लेना, आपके डेफिनेटली सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे लाखों में व्यूज नहीं है तो आपके नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि किसी एक के नहीं आ रहे तो आपके भी नहीं आएंगे। आप अपनाओ क्या पता आपके इससे ज़्यादा व्यूज आ जाएँ, तो इसलिए मैंने ये तरीका आपको बताया, पूरा एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूँ। बाकी फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना ताकि किसी और के भी काम आ सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।